students, how are you? I hope you will be fine. Today we will read Open Skies from class 3rd, chapter 3rd, Androclus and the Lion. Okay? तो आज हम इसकी पूरी हिंदी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो पढ़ते हैं एंड्रोक्लस और लायन की क्या स्टोरी है. एंड्रोक्लस वॉज ए स्लेव हु वंस एस्केप्ड फ्रॉम हिज मास्टर एंड फ्लेड टू अ फॉरेस्ट. यहाँ पे एक एंड्रोक्लस जो है ये एक स्लेव यानी नौकर गुलाम जिसको बोलते हैं, वो जो है अपने मास्टर के यहाँ से एस्केप्ड हो गया, भाग गया, ठीक है? और वो कहाँ चला गया भाग करके? फॉरेस्ट में. ही हेल्प द लायन इन नीड. उसने एक शेर की मदद की जब उसको ज़रूरत थी. द लायन रिमेंबर्ड एंड्रोक्लस हेल्प्स एंड व्हेन द टाइम केम द लायन शोव्ड इट्स ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स एंड्रोक्लस. और जब उसने उसकी मदद की तो जब समय आता है तो लायन उसकी मदद करता है. दस इट इज़ प्रोवाइड प्रूव्ड दैट अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. जैसा कि आप जानते हो कि फ्रेंड जो होता है वो बहुत ख़ास होता है ना. एक सच्चा दोस्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, कि जब आप किसी को मानते हो कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन जब वो आपके समय पे आपका साथ दे तब तो आप ये चीज़ समझोगे कि ये आपका फ्रेंड है. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर एक फ्रेंड हमारा होता है और वो हमें क्या करता है, आगे जब हमें ज़रूरत होती है तो वो हमें हमारा साथ छोड़ देता है ना, और चला जाता है, वो हमारे पास वो परमानेंट नहीं रहता है, तो वो हमारा फ्रेंड नहीं हुआ, है ना. वो हमारा फ्रेंड क्यों नहीं हुआ? कि जब हमें ज़रूरत है तो आप हमारे साथ हो नहीं, है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, डू यू नो हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड, है ना. आई नो दैट एवरी वन हैव अ फ्रेंड. So in this chapter we will know that what is the mean of friend. ठीक है, हम जानेंगे कि इसमें friend का मतलब क्या होता है. Okay, so let's start. There lived in North Africa a young slave named Androclus. ये किस कहाँ की बात है? ये North Africa की बात है. वहाँ पे एक slave रहता था, एक young slave रहता था गुलाम जिसका नाम था Androclus. His master was a cruel मैन. उसका जो मास्टर था यानी जो उसका मालिक था वो क्या था? बहुत ही निर्दयी था, निर्दयी आदमी था. ही मेड हिम वर्क द होल डे बट डी नॉट गिव हिम इनफ फूड टू ईट. वो पूरे दिन उससे, होल डे मतलब पूरे दिन उससे काम करवाता था, लेकिन जो है उसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं देता था जिससे उसका पेट भर जाए. एंड्रोक्लस ऑलवेज ओबेड द ऑर्डर्स ऑफ हिज मास्टर्स. एंड्रोक्लस हमेशा उसकी आज्ञा का पालन करता था, यानी मालिक की आज्ञा जो बोलता था वो तब करता था. येट द मास्टर ऑफन बीट हिम सेवरली. लेकिन उसके मास्टर जो थे, मैं जो मालिक था, वो हमेशा उसको पीटता रहता था, बीट करता रहता था. सो एंड्रोक्लस डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस. इसने क्या डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि मैं अपने मालिक के घर से भाग जाऊँगा, ठीक है. देन वन नाइट व्हेन एवरीवन वाज एज स्लीप एंड्रोक्लस रन अवे फ्रॉम द हाउस. एक रात में क्या होता है कि जब सभी लोग सोते रहते हैं तो एंड्रोक्लस अपने घर से भाग जाता है. ही केप्ट ऑन रनिंग टिल ही रीच द फॉरेस्ट. वो भागता रहता है, भागता रहता है, और जब तक एक जंगल नहीं पहुंच जाता तब तक वो रुकता नहीं है. ही वॉज टायर्ड एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री. बहुत थका रहता है और तब बैठ जाता है एक पेड़ के नीचे. सडनली ही हर्ड लायंस रोर. अचानक ही उसको सुनाई क्या देता है? लायन का दहाड़ना. सडनली ही हर्ड द लायन रोर. द लायन वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम. और वो जो शेर है वो किधर आ रहा है? वो उसकी तरफ देख रहा है कि वो चला आ रहा है, ठीक है. ही वॉज फ्राइटेंड. वो डर गया, ठीक है, फ्राइटेंड डर गया. एंड्रोक्लस वॉज श्योर दैट द लायन वुड किल हिम. वो एकदम निश्चित था कि जो लायन है वो हमें मार डालेगा. एंड्रोक्लस क्लोज हिज आइज एंड वेटेड फॉर हिज डेथ. अपनी आंखें बंद कर लेता है और इंतज़ार करता है कि अब तो मेरे मृत्यु होनी ही है, तो फिर ठीक ठीक है, एकदम लेटा हुआ रहता है. बट द लायन डिड नॉट हार्म हिम. लेकिन लायन जो उसको चोट नहीं पहुँचाता, कहीं थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुँचाता. ही स्टूड देयर ग्रोनिंग एंड लीकिंग हिज पा. और वो वहीं पे खड़ा होके जो है उसके पंजों को जो है सूजे हुए पंजों को चाटता रहता है अपने, ठीक है.
जो उसके पंजे सूजे हुए हैं तो अपना चाटता रहता है। एंडोक्लस गेव अ थॉट एंड अप्रोच द लायन, वो उसे पहले तो देखता रहता है, फिर उसको अप्रोच करता है लायन को कि क्या बात है। ही सा ब्लड ऑन हिज लायंस पा, अब देखता है कि उसके जो पंजों पे ब्लीडिंग हो रही है ना, ब्लीडिंग हो रही है, उसने देखा कि खून बह रहा है। ही फाउंड अ बिग थोन इन द लायंस पा, अब देखता है कि बड़ा सा जो है कांटा उसके लायन के पंजे में धंसा हुआ है यानी चुभा हुआ है। जेंटली ही टुक आउट द थोन एंड क्लीन द वुंड, उसको निकालता है कांटे को और पोंछता है फिर उसके घाव को। द लायन वेंट अवे इन द फॉरेस्ट हैप्पीली, लायन जो है खुशी खुशी वापस फॉरेस्ट में जंगल में चला जाता है। आफ्टर टू ईयर्स द रोमन सोल्जर्स वाज एंडोक्लस इन द फॉरेस्ट, 2 साल के बाद क्या होता है, रोमन के जो सैनिक होते हैं वो एंडोक्लस को देखते हैं फॉरेस्ट में। दे अरेस्टेड हिम एंड ब्रॉट हिम टू रोम, अब उसको अरेस्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और ले जाते हैं कहाँ, रोम में। ठीक है, देन द कस्टम इन रोम दोज डेज वॉज टू पनिश स्लेव्स सेवली, अब कस्टम क्या था रोम का, वहाँ का नियम क्या था कि जो गुलामों को पकड़ते थे पनिश करते थे उन्हें। वन ऑफ द पनिशमेंट, वहाँ का पनिशमेंट क्या होता था, वॉज टू फोर्स द स्लेव्स टू फाइट विथ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब गुलाम को जो है लड़ना पड़ेगा किससे, जंगली जानवरों से। द क्रूएल रोमन्स इंजॉयड वॉचिंग द फाइट, और जो वहाँ के निर्दयी लोग थे रोमन के रहने वाले, वो भी इंजॉय करते थे फाइटिंग देखते थे कि चलो लड़ाई हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है और कोई परेशान है, तो वो उसका इंजॉय करते थे, दुखी नहीं होते थे, इंजॉय करते थे। एंडोक्लस वॉज ब्रॉट टू अ बिग स्टेडियम टू फाइट विथ अ हंग्री लायन, ले जाया जाता है उसको बड़े से स्टेडियम में लड़ने के लिए एक भूखे शेर से। ठीक है, अ ह्यूज क्राउड गैदर्ड देयर टू वॉच द क्रूएल स्पोर्ट, ये जो है लड़ाई जो है खेल देखने के लिए वहाँ पे भीड़ लग जाती है ना, क्राउड हो जाता है, एक बड़ा क्राउड हो जाता है। एंडोक्लस थॉट दैट दिस वुड बी हिज लास्ट डे, एंडोक्लस सोचता है कि अब उसका लास्ट दिन ही है, आज समझ लो मैं क्या लड़ पाऊँगा। ठीक है, ही स्टोर इन द मिडिल ऑफ द स्टेडियम वेटिंग फॉर द लायन, अब जाके बीचों बीच स्टेडियम के खड़ा हो जाता है और वेट करता है किसका, शेर का। द लायन वॉज बॉट इन अ केज केप्ट अ लिटिल अवे फ्रॉम एंडोक्लस, लायन जो है केज से यानी पिंजरे से निकाल के ले आते हैं वो लोग और दूर उसके खड़ा कर देते हैं एंडोक्लस के। एज सुन एज द केज वॉज ओपन, जैसे ही केज खुलता है द लायन रश टूवर्ड द एंडोक्लस, दौड़ करके दौड़ता हुआ एकदम आता है एंडोक्लस के पास। द क्राउड चीयर्ड एंड वेटेड फॉर द फाइट, भीड़ जो है वो खूब शोर मचा रहा है, अरे वाह वाह अब तो मजा आएगा, लड़ाई होगी, वेट कर रहे हैं सब फाइट का। द लायन रीच्ड एंडोक्लस स्मेल्ड हिम एंड स्टार्टेड टू लीक हिज स्पिट, लेकिन लायन आता है जैसे एंडोक्लस के पास पहुंचता है, उसको स्मेल करता है और उसके पैर को फीट को चाटने लगता है। वनली देन डिड एंडोक्लस रियलाइज दैट द लायन वॉज द सेम वन होम ही हैड हेल्प इन द फॉरेस्ट, उसको तुरंत रियलाइज़ हो जाता है कि ये वही शेर है जिसकी उसने मदद की थी। ठीक है, हेल्प की थी। देन क्या होता है, वनली देन डिड एंडोक्लस रियलाइज हेल्प इन द फॉरेस्ट, द क्राउड वॉज स्टन टू सी द सीन, सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये सीन देख के, ये क्या, शेर को तो आप किसी को छोड़ता नहीं, कैसे पैर मतलब आके जो है उनके फीट को कैसे चाट रहा है, कैसे लिकिंग कर रहा है। दे थॉट दैट द लायन वुड किल एंडोक्लस इन नो टाइम, और जो है वो समय था कि एंडोक्लस जो है, दे थॉट दैट, वो सोच रहे थे कि लायन जो है अब इनको जो है वुड किल एंडोक्लस इन नो टाइम, मारने में उसको समय नहीं लगेगा, है ना। बट वॉट अ रिवॉर्ड एंडोक्लस गॉट फ्रॉम द लायन, लेकिन जो है शेर से उसको क्या मिलता है, एक रिवार्ड मिल जाता है, यानी उसकी जान प्राण की रक्षा कर देता है। इट वॉज़ अनबिलीवेबल, अरे ये तो विश्वास ही करने योग्य बात नहीं है। एंडोक्लस देन जम्प्ड ऑन द लायन, कूदता है जम करके लायन के ऊपर एंड बिगिन टू प्ले विथ हिम, और उसके साथ जो है खेलने लगता है। देन द बिग प्ले विथ हिम, ठीक है, द रोमन एम्परर हु वॉज वॉचिंग दिस सेंट फॉर, अब वो जो रोमन के शासक हैं यानी जो राजा हैं वो सब देख रहे हैं ये सीन ना, तो क्या करते हैं वो, सेंट
एंडोक्लस ही नरेटेड द होल स्टोरी टू द एम्परर. तो एंडोक्लस जो उसको बुलाते हैं अपने पास मैसेंजर से, और फिर जब वो उनके पास जाता है तो ही नरेट सारी कहानी जो है वो पूरी अपने राजा को सुनाते हैं, कैसे ऐसे हुआ, शेर मिला था मैंने उसके पंजे में, कांटा जो चुभा हुआ था मैंने निकाला, वुन को साफ किया, घायल जो था शेर उसको साफ किया घायल पंजे को, और इस तरीके से उसने मेरी हेल्प की. द एम्परर वॉज सो टच्ड बाय एंडोक्लस काइंडनेस टू एनिमल्स दैट ही रिवॉर्डेड हिम विथ मनी एंड गेव हिम फ्रीडम. जब ये राजा ने ये सारी बात सुनी तो उसको बड़ा टच किया, बड़ा हर्ट उसको अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ उसको कि बहुत दयालु है एंडोक्लस तो एनिमल्स के लिए, और उसने जो है मनी दिया, पैसे दिए और उसको स्वतंत्रता दे दी, ढेर सारा रिवार्ड दिया उसको, ठीक है पुरस्कार दिया. एंडोक्लस वॉज नो लॉन्गर अ स्लेव बट अ फ्री मैन. अब जो है वो कभी भी गुलाम नहीं बना बल्कि वो एक स्वतंत्र आदमी हो गया, मतलब अपनी शिक्षा से वो अपनी ज़िंदगी को जी सकता था. सो स्टूडेंट्स, आपको स्टोरी कैसी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप बता सकते हो. इसके बाद आपको आंसर शीट वगैरह भेजी जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी, जो आपको नोटबुक बनानी है उसमें कंप्लीट करना है. इसके बाद मैं एक्सरसाइज की वीडियो आपको अपलोड करके भेजूँगी एंड वर्ड मीनिंग आल्सो. और वर्ड मीनिंग बेटा पहले लिखना है आपको, ठीक है ना, ध्यान रखना. चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के पहले आपको हिंदी वर्ड मीनिंग एंड इंग्लिश वर्ड मीनिंग, ये दोनों आपको बोथ आर आपको राइट करने हैं, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.